नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम अपने कुलदेवी के मंदिर आए हैं। हमारे जो यहाँ के जो कुलदेवी है ना, नाम क्या उनका? थ्री। तो हम अपने गांव के कुलदेवी मंदिर में आए हैं, जिनका नाम है माँ दूरानी देवी। तो मैं आपको उनका मंदिर दिखाऊंगी और ये बहुत खूबसूरत मंदिर है। मतलब यहाँ आके ना बहुत सुकून से महसूस होता है। तो ना ये गेट शायद अभी नया बना है ना, तो ये गेट बनाया नया और यहाँ पे लिखा भी है कि जो माता, तो यह माता के बारे में लिखा गया है कि माता कहाँ से आई थी और उनका यहाँ पे मंदिर क्यों बना। तो आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो अब हम मंदिर जाएंगे तो मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। और मंदिर शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, पर इधर लिखा हो असल में ये मंदिर है, वो वाइट वाइट सा दिख रहा है, वो मंदिर है। तो अब हम चलते हैं मंदिर में। ये नहीं, इतना हो ना या। ये नई नई सीढ़ियाँ बनाई है अभी और रास्ता बहुत लंबा है और बारिश भी हो रही है और गिरने का डर भी है। तो आराम से चलते हैं। तो गाइस, ये जो मंदिर है ये गांव में है और गांव का नाम उनियाल गांव है। और यहाँ ना सारे ब्राह्मण लोग रहते हैं और हम जजमान ऊपर रहते हैं। तो अच्छा है कि पंडितों के साथ ही मंदिर है और वहाँ पे पूजा पाठ हमेशा होती रहती है और उनका ये पैतृक मंदिर है। तो अब बस थोड़ा सा बचा है, ज़्यादा नहीं बचा है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं मंदिर कितना पास है अब। बट पास नहीं है, ये पूरा जंगल का रास्ता मैं पार करके फिर मंदिर में पहुँचना पड़ेगा। और ये गांव है जिसके बारे में बता रही थी पूरा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मंदिर कितना प्यारा लग रहा है। और इस साइड गाँव है, आप ये देखो यहाँ कितने सारे घर हैं। कौन रहता है यहाँ? फ्रेंड है ना, वो रहते हैं। अच्छा, आपके फ्रेंड्स लोग, पंडित जी लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों मंदिर पहुँच चुके हैं और ये है हमारा प्यारा सा मंदिर। अभी हमें यहाँ से चढ़ाई करनी है और ऊपर जाना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का मंदिर। ये मंदिर का मेन गेट है, बहुत डेकोरेट हुआ है, अच्छी बात है। वैसे भी अब जन्माष्टमी आने वाली है तो सजावट तो होनी चाहिए ना टेंपल में। तो गाइस पहले हम घंटी बजाते हैं। ये मंदिर जून में यहाँ भंडारा होता है हमेशा हर साल, अच्छी बात है। एक दिन हर साल मंदिर में तो कुछ ना कुछ नया होना चाहिए। तो यहाँ पे शायद अभी हुआ था इस साल भी जून के टाइम पे, इसलिए यहाँ पे डेकोरेट हो रखा है पूरे का पूरा। और ये है उनियाल गांव, इसी में ये मंदिर इस गांव से जुड़ा। तो आप देख सकते हो बहुत प्यारा गांव है। और वो वाइट वाइट दिख रहा है, वो मेन गेट है और हम वहाँ से ही आए हैं इधर। तो हम मंदिर में फिर से चप्पल बाहर और हम अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठक है, जब भंडारा होता है ना तो यहाँ पे लोग बैठते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन होते हैं यहाँ पे। और ये है फाइनली मंदिर। चलो, तो यहाँ पे ऐसा है ना कि मंदिर है के पर भगवान जी बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। ऊपर आके दिखाओ,
हनुमान जी का मंदिर, और इस साइड शिव जी का मंदिर हो गया, और वो है हमारी माता रानी। ये हमारी मेन माता रानी। तो मैं आगे वीडियो नहीं शूट कर पाऊंगी क्योंकि मंदिर में फोन अलाउड नहीं है, बट हाँ जब हम यहाँ से निकलेंगे तो मैं आपको यहाँ का एरिया का जरूर दिखाऊंगी, तो इसलिए हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो गाइज हमने पूजा कर ली है, और ये देखो पर मंदिर, साइड में मंदिर, साइड में मंदिर, हाय सुकून मिल गया। तो अब चलते हैं आगे, और मैं आपको ना यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है। ये देखो टंटना, ये क्या है जान, ये क्या है? अच्छा कॉलेज, और जो आप ये देख रहे हैं ना साइड में, ये एनम कॉलेज है गवर्नमेंट का, और ये आसपास के जो भी गांव आते हैं वो ये सब है, और यहाँ का पूरा व्यू ये आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगले साल जब भी भंडारा हो तो आप पौड़ी के, पौड़ी में ही पड़ता है ये मंदिर, तो आप जरूर आइए इस मंदिर में, यहाँ का भंडारा खाइए, इंजॉय करना भंडारा, माता रानी के दर्शन करना, और साइड में ऐसा व्यू, वाओ कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब उत्तराखंड उत्तराखंड ही है चाहे कुछ भी हो। तो आप सबने देखा ही होगा कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और अच्छा लगा मंदिर में आके। इसलिए हम मंदिर इसलिए आए थे क्योंकि आज सोमवार भी है, और आज लास्ट सावन का व्रत था, इसलिए तो शिवलिंग में तो चढ़ाना ही था पानी, इसलिए आए थे। तो पानी भी चढ़ गया, हनुमान जी के दर्शन हो गए, माता रानी के दर्शन हो गए, और क्या चाहिए। तो मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और आप सब अच्छे से अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना, इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था, तो एकदम मतलब अच्छी वाली फीलिंग के साथ सेलिब्रेट करना, और आज के दिन कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, सब हैप्पी हैप्पी अपना जो वो है इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।